Hello students, in previous part we have studied about different types of epithelium tissue, simple epithelium tissue and a compound or stratified epithelium tissue. Now in this part we will discuss on the different types of glands. Glands are also made up of cells. Glands are also made up of cells. अब ये glands क्या काम करती हैं? Secretion का काम करती हैं. What is the function of glands? सीक्रेशन करती है. बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सीक्रेशन, हाउ द सीक्रेशन कैन टेक प्लेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. दीज ग्लैंड्स आर डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स. In our body, this is due to the following reasons. उस following reason होने के कारण से ये different type की glands present होती हैं और different इनका secretion भी chemical substance secret होता है. तो सबसे पहले basically हम किस base पे इसको define करेंगे? On the number of cell. Firstly, on the number of cell. Number of cell. Cell glands में कितनी present है? Single present है और two or more than two cell present है. Unicellular और multicellular. Means glands में cell एक present है तो unicellular और दो या दो से ज्यादा है तो वो multicellular है. Unicellular जो cell होती है कौन सी? ग्लैंड्स कौन सी होगी? गोबलेट सेल. गोबलेट सेल एज वी हैव डिस्कस्ड इन कॉलमनर सेल जो थी, कॉलमनर सेल के अंदर गोबलेट जो सेल होती है कुछ इस वजह से प्रेजेंट होती है. ये गोबलेट के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, गोबलेट सेल. ऑन द बेसिस ऑफ सेल glands are basically two types, unicellular gland और multicellular gland. Unicellular gland कौन सी? जिसमें केवल एक ही gland एक ही cell present होती हो. Multicellular gland means मतलब जिस gland के अंदर दो या दो से ज्यादा मतलब cell present होती हैं. और multicellular के glands के अंदर multicellular glands कौन सी बोलेंगे? Salivary glands. हमारे mouth के अंदर three pairs of salivary glands है, parotid वगैरह मिला करके. तो ये three types है, मतलब different type के दो से ज्यादा cell present है तो salivary. It contains more than two cells. So on the basis number of cell, the glands are basically two type: unicellular gland or multicellular gland. Unicellular gland such as goblet cell, it contains a single cell, and multicellular gland is known as salivary glands. The number two is types of secretion. Types of secretion. मतलब क्या सिक्रेशन करती है, किस बेस पे सिक्रेशन करती है, कैसा क्या सिक्रेशन करती है. इस बेस पे ग्लैंड कितने प्रकार की? तीन प्रकार की: सीरेसेस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड. सीरेस ग्लैंड टू वाटर और प्रोटीन सिक्रेशन करती है. क्या करती है? वाटर एंड प्रोटीन सिक्रेशन करती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं सीरेस ग्लैंड. सेकेंड वन इज म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस कौन सिक्रेशन करते हैं? म्यूकस सिक्रेशन करती हैं गोबलेट सेल. गोबलेट सेल. एंड थर्ड वन इज सेबेसियस ग्लैंड. सीबेसी ग्लैंड मतलब जो ऑयली सिक्रेशन है, जो ऑयल सिक्रेशन करती है. ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड: सीरेस ग्लैंड जो वाटर एंड प्रोटीन सिक्रेशन करती है, जो म्यूकस म्यूकस ग्लैंड वो होती है जो म्यूकस सिक्रेशन करती है वो गोबलेट सेल है. सीबेसिस ग्लैंड मतलब जो ऑयल सिक्रेशन करती है. अब नंबर थर्ड जो है वो क्या है?
हाउ द सीक्रेशन कैन टेक प्लेस, हाउ द सीक्रेशन, टाइप्स ऑफ सीक्रेशन बेस पे तीन प्रकार की, हाउ द सीक्रेशन कैन टेक प्लेस दैट इज ऑल्सो थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, होलोक्राइन ग्लैंड्स, मेरोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑपोक्राइन ग्लैंड्स। तो तीन प्रकार की, होलोक्राइन ग्लैंड, नंबर टू मेरोक्राइन ग्लैंड एंड नंबर थ्री एपोक्राइन ग्लैंड। मेरोक्राइन, होलोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, वो ग्लैंड जिसमें से सेल फुली हॉल रप्चर हो जाती हैं और हॉल रप्चर के पश्चात सीक्रेशन करती हैं, जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स। द सेल गेट हॉल रप्चर, सेल पूरी तरह से टूट जाती है और टूटने के पश्चात जो उससे सब्सटेंस सीक्रेशन होता है, तो उस प्रकार की ग्लैंड को पहले बोलेंगे होलोक्राइन ग्लैंड। कौन सी होती है, ऑयली ग्लैंड्स होती है, ऑयल सीक्रेशन कह सकते हैं। मेरोक्राइन ग्लैंड जिसका मतलब जिसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिफ्यूजन, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स एज वेल एज स्वीट ग्लैंड। कुछ ग्लैंड ऐसी हैं जिसमें स्वेट, पसीना निकलता है, जिसमें सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि हमारे स्किन से स्वेट पसीना जो निकलता है, दैट इज द ओनली वाटर सब्सटेंस कंटेन विच ऑकर बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज एपोक्राइन ग्लैंड, इसमें सेल का जो टिप है वो रप्चर होता है, इसमें सेल क्या थी, हॉल रप्चर होगी, उसके बाद सीक्रेशन हुआ, इसके अंदर सेल का टिप रैप्चर होगा, टिप रैप्चर होने के पश्चात उससे सब्सटेंस सीक्रेशन होंगे, इसमें भी स्वेट ग्लैंड आती है। इस स्वेट ग्लैंड में और स्वेट ग्लैंड के अंदर फर्क होता है, इन दिस ग्लैंड ओनली द टिप ऑफ सेल रप्चर, सेल का टिप जो होता है ओनली रप्चर होता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड इसमें भी आता है, पसीने वाले ग्लैंड मेरोग्लैंड में, इसमें तो क्या था ओनली डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और इसमें स्वेट ग्लैंड कौन सी होंगी, जो हमारी आर्म पिट्स और या ग्रोइन एरिया, जो हमारा लोअर सरफेस एरिया है, लोअर एरिया है, वहां पर से स्वेट जो पसीना निकलता है, उसके साथ साथ कुछ सेल का अपर टिप रप्चर होने के कारण से साइटोप्लाज्म भी बाहर निकलता है। तो यहां कौन सी होगी, आर्म पिट और ग्रोइन एरिया, यहां से क्या होगा कि स्वेट के साथ साथ स्वेट प्लस साइटोप्लाज्म एक्सक्रीट किया जाता है, जिसके कारण से इसको देखने के लिए यू कैन यूज टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर से ही, आपके स्किन के ऊपर किसी पर स्वेट आया तो आप उस टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं आता। लेकिन इस प्रकार के स्वेट को यदि आपने टिश्यू पेपर से साफ करना है तो टिश्यू पेपर के ऊपर येलो कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। दोनों में फर्क यही है, इसमें येलो कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट क्यों हो गया, क्योंकि उसके साथ साइटोप्लाज्म, स्वीट के साथ साइटोप्लाज्म भी बाहर निकलता है, जिसके कारण से क्यों हुआ बाहर, क्योंकि सेल का टिप रप्चर हुआ, इसमें सिर्फ सब्सटेंस डिफ्यूजन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा ही पास आउट होते हैं, तो इसमें छन के फिल्ट्रेशन होकर के इसके द्वारा स्वीट के साथ साइटोप्लाज्म भी बाहर निकला, जिसके कारण से यू कैन सी द येलो कलर ऑफ द टिश्यू पेपर व्हाइल यू रब योर स्किन एज वेल एज द दिस एरिया, आर्मपिट एरिया और ग्राउंड एरिया, थ्री टाइप्स। एंड नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, नंबर फोर, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, डक्ट के बेस पे ग्लैंड कितने प्रकार की, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस विद डक्ट, जिस ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड।
डक्टलेस ग्लैंड जो होती है उनको बोलते हैं एंडोक्राइन, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड कंटेन डक्ट इन सम पार्ट एंड सम मे नॉट इन सम पार्ट डक्ट एंड सम मे नॉट। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जैसे कि लीवर सेल है, सलाइवरी लीवर ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है और डक्ट के द्वारा ये केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेशन करती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी द ग्लैंड विच कंटेन डक्ट्स, जिसमें ट्यूब होती हैं और ट्यूब के द्वारा सीक्रेशन होता है, जैसे कि लीवर ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें ट्यूब नहीं होती, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज दे डोंट कंटेन एनी डक्ट, दे डायरेक्टली सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंस इनटू द ब्लड वेसल्स। तो इसमें किसी प्रकार की डक्ट नहीं होती, जैसे कि जितने भी हमारे एंडोक्राइन, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड इन विच इन सम पार्ट इट कंटेन्स डक्ट और सम में नॉट, कुछ में डक्ट है कुछ में नहीं है। जिस प्रकार से पैनक्रियाज ओनली सिंगल हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज में किस वजह से, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेशन करता है और हार्मोन भी सिक्रेशन करता है। जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेटेड इन टू द ब्लड, तो दे डोंट कंटेन एनी डक्ट। इसमें हार्मोन सिक्रेशन किसमें होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड में, और ब्लड में सिक्रेशन होती है, इसमें किसी प्रकार के डक्ट नहीं है, डक्टलेस ही है, जैसे कि इंसुलिन। इसी प्रकार से पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेशन करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। वो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डक्ट के द्वारा बाहर निकलता है, तो इसमें दिखा था विदाउट डक्ट, तो इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि ये कंटेन डक्ट है, डक्ट यानी आप लिखे कंटेन डक्ट, इनमें डक्ट होती है, तो जैसे कि लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल क्या, पहली बात तो नंबर ऑफ सेल था, अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे ग्लैंड दो प्रकार की, ट्यूबुलिन तो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर और दूसरा सैक लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर और दूसरा होगा सैक लाइक, इसको सैक्यूल भी बोलते हैं, एल्वियोलर भी बोलते हैं, एल्वियोलर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दीज आर द फ्लैट सेल, एपिथेलियम सेल कह सकते हैं, इधर एपिथेलियम सेल, इसके बीच में कुछ इस प्रकार से ट्यूब कंसिस्ट होती हैं और इसके बाहर भी एपिथेलियम सेल कंसिस्ट होती है। इधर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कंटेन होती हैं और सैक्यूल मींस सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि गोब्लेट सेल वगैरह आई थी तो एपिथेलियम सेल, और अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस वे से कंसिस्ट होता है, और इसके बाहर जो सेल होंगी एपिथेलियम सेल, इसके बाहर के लिए बनाते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करने में, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की तरह मदद करती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। So, there are different types of glands which are present on the different basis. First one is number of cell. Number of cell के बेस पे gland कितने प्रकार, दो प्रकार की, unicellular, multicellular. Types of secretion, किस बेस पे कौन सा क्या secretion करता है उस बेस पे, glands कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, serous glands, mucous gland, sebaceous glands. And on the how the secretion can take place, इस बेस पे gland तीन प्रकार की, holocrine, merocrine and apocrine. उसी पश्चात on the basis of duct, duct है या नहीं है,
तो उस बेस पे तीन प्रकार का मेनली टू टाइप्स है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, लेकिन तीसरा इसमें क्या है, हेटेरोक्राइन। एंड लास्ट वन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर इसके अंदर किस प्रकार से कंसिस्ट होता है ग्लैंड्स में, वो ट्यूबुलर है या उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट है। तो ट्यूबुलर तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, दूसरा हमारा सैक्यूल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, एलिव्यूलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट